बिल्कुल आशीष गुड मॉर्निंग वीरू गुड मॉर्निंग और देखिए कहते हैं ना पहले मज़ा फिर सजा खैर एनी वे एक चीज़ तो है पिछले डेढ़ दिन की ज़रूरत थी मार्केट को काफ़ी इस तरीके से मार्केट गिर रहा था लेकिन कल जाते जाते वीरू ने जो एक बात कह दी ना मुझे फिर मैं उसके बाद मैंने उसका आकलन किया कल का जो हाई था निफ्टी का वो एग्जैक्ट ट्वेंटी डे का मतलब बिल्कुल जैसे कहते ना मक्खी मक्खी बिठाने वाला तो अब मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क है ट्वेंटी डेमा हॉल्ट देखिए एक मार्केट में मेन रिवर्जन आउट होता है हमेशा ओवरसोल्ड मार्केट ट्वेंटी डेमा को टेस्ट करती है ओवरबॉट मार्केट कई बार ट्वेंटी डेमा को टेस्ट करती है अब देखते हैं ये यहाँ पे हॉल्ट है पॉज है या फिर मार्केट यहाँ पे हो सकता है गिफ्ट निफ्टी गलत हो हम गैप अप खोलें और ऊपर चले जाएं ये भी पॉसिबल है बहुत कुछ हो सकता है मार्केट में मैं जो चीज़ कल भी पूछ रहा था मैं वो आज भी पूछूंगा क्योंकि ठीक है कई बार भावनाओं में बहना थोड़ा इजी होता है क्या हम यूएस मार्केट की वजह से गिर रहे थे आप वैसे सुबह आप दोनों की मैं चर्चा सुन रहा था आपकी और वीरू की और कि जब आप बात कर रहे थे कि यूएस गए या नहीं गए तो फिर मैं वो चर्चा सुन रहा था लेकिन मेरा ये मानना है कि हमारी मार्केट उस वजह से नहीं गिरी थी हमारी मार्केट अपनी अर्निंग्स की वजह से गिरी थी हाँ लेकिन क्या होता है ना कई बार अब जैसे रीज़न कुछ और, आप कई बार किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी और चीज़ के लिए थीसिस कुछ और निकल आता है तो हो सकता है मार्केट गिरा भले भली हुई अर्निंग्स की वजह से लेकिन यूएस मार्केट की वजह से एक ट्रिगर मिल गया वो मार्केट को चलने के लिए ये भी पॉसिबल है अच्छा ये भी हो सकता है कि मार्केट में अलग अलग तरीके की बुल मार्केट होती है एक बुल मार्केट चल रही थी वो खत्म हुई और ट्रंप की जीत के साथ एक और दूसरे तरीके की बुल मार्केट की शुरुआत हो जिसमें स्मॉल कैप रेट सेंसिटिव आईटी ये सब लीड करें ये भी पॉसिबल है तो तैयार है ना आपको हर पॉसिबिलिटी के लिए लेकिन अगर हम यूएस मार्केट के यूएस इलेक्शन की वजह से नहीं कर रहे तो हम यूएस इलेक्शन की वजह से भागेंगे क्यों हाँ ये हो सकता है कि यूएस इलेक्शन जो है ट्रिगर रहा हो मार्केट के लिए क्लीर शॉर्ट कवरिंग का या एक फ्रेश रैली की शुरुआत का अच्छा कल बहुत लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एफ आई बाइंग करेंगे एफ आई बाई करेंगे हाँ। उन्होंने तो और ज़्यादा हाँ। बेच दिया उन्होंने कहा लो आओ हमारे पास तो बहुत माल है इनके पास जैसे उस दिन दवाने सर भी कह रहे थे आठ सौ बिलियन डॉलर है हाँ। अब भाई जिसको जितना चाहिए आके ले जाए हमसे ये वो मूड बना चुके हैं कि हमें तो बेचना है यहाँ पर तो इसके लिए आज का ट्रेडिंग सेशन और इंटरेस्टिंग हो जाएगा क्योंकि उन्होंने तो मंगलवार को भेजा था और मंगलवार ज़्यादा कल बेच दिया अब अगर ट्वेंटी डेमा का हॉल्ट कन्फर्म होता है अगर आज तो मैं कहूँगा कि रिसेंट लो भी टूटने का रिस्क है लेकिन अगर मार्केट जैसे कहते ना हर रिस्क हर तो, प्रॉब्लिटी तैयार रहें अगर कल का हाई क्रॉस किया और उसके ऊपर बंद हो गए तो हम हायर लेवल के लिए भी तैयार रहेंगे ठीक है देखिए मार्केट में ना इस समय बहुत ज़्यादा एक व्यू ना लें कि यही होगा वो खराब होता है मार्केट में और हमेशा इसके लिए तैयार है कि आप जो भी व्यू लेंगे हो सकता है मार्केट उसके अगेंस्ट जाए इसके लिए भी तैयार रहे मार्केट में आपके हाथ में जो वो करिए आपके हाथ में क्या है इस समय अच्छे शेयरों का चुनाव और बहुत ज़्यादा जल्दबाजी मत करिए निफ्टी और बैंक निफ्टी को डिसाइड करने दीजिए उनको कहाँ जाना है कोई भी पोजिशन अगर घर लेकर जा रहे हैं जैसे कल भी मेरी बात हुई थी अगर आप लॉन्ग कैरी कर रहे हैं तो हेज जरूर करें मंथ एंड का पुट ले जाकर साथ में क्योंकि आप किसी भी गैप अप या गैप डाउन से अपने आप को बचा के रखें उस चीज़ का ध्यान रखें एक और चीज मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ अभी दो इंपॉर्टेंट चीज़ें आनी है एक तो आज फेड का डिसीजन आना है और कल चीन का वो पैकेज आना है और चीन का पैकेज हम डिसाइड हम कर रहे कह रहे थे कि अगर ट्रंप जीतेंगे तो चीन का पैकेज और ज्यादा बड़ा होगा तो अगर वो हुआ तो आप एफ की बाइंग तो भूल जाइए यहाँ से सेलिंग और बड़ी होगी वो जो अक्टूबर का आपने सेल नंबर देखा ना हो सकता है आप उससे भी बड़ा सेल नंबर देख लें तो ये पॉसिबल है और अगर कल का तो फिर मैं मैं बेसिकली अब क्या कह रहा हूँ इसमें अब दो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं एक तो कल का हाई जो ट्वेंटी डेमा के आसपास है या तो आप उसको क्रॉस करके उसके ऊपर क्लोज हो जाए तब तो और बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली आएगी लेकिन अगर कल का लो टूटा चौबीस दो सौ चार का तो जो रिसेंट लोज थे और जो टू हंड्रेड डे मूविंग एवरेज है उसके लिए भी तैयार है तो वन वे व्यू ना बनाएँ स्क्रीन देखें और उसके बाद क्योंकि मार्केट ऐसी है जिसमें पल में चीज़ें चेंज हो जाती हैं डेढ़ दिन में देखिए क्या चेंज हो गया तो वो आगे भी उस चीज़ के लिए तैयार है बिल्कुल ठीक है